न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, जोहार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर में आजाद समाज पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कशीफ रजा खान के नेतृत्व में प्रथम राज्य स्तरीय कार्यकारिणी का आयोजन मानगो में किया गया, जहां बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। इस दौरान भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार रविराज समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। कार्यकारिणी के दौरान पार्टी के सिद्धांतों से तमाम कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया, साथ ही बहुजन एकजुटता को कायम रखने की अपील की गई। वैसे आगामी वर्ष चुनाव का वर्ष है, जहां लोकसभा और झारखंड राज्य विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। कार्यकारिणी में मौजूद आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कशीफ रजा खान ने कहा कि भारत के मूल निवासी और बहुजन समाज को लेकर पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। भेदभाव की राजनीति से दूर एकजुटता पर पार्टी बल देती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी पार्टी के साथ गठबंधन का कोई उनका इरादा नहीं है और आगामी चुनाव में पार्टी तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी और जीत दर्ज कर लोकसभा और विधानसभा में जाने का कार्य करेगी। लॉन्च हो चुकी है, हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और हम ये कोशिश करेंगे कि झारखंड में कि मंदार हम राजनीति करें और इस देश के जो स्टेट जो भी माइनॉरिटीज़ है और जो भी कम्युनिटी यहाँ रहती है उनको अधिकार देने का हम काम करें। जो कामगार समाज है, जो इस देश के जो एक्चुअल मूल निवासी है, उनके लिए हम कटिबद्ध हैं, उनके लिए हम मेहनत करके राजनीति करेंगे। संगठन हमारे यहाँ मजबूत है, भीम आदमी क्योंकि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज संगठन है, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ लेकर ही हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमें चुनाव यहाँ पर है, लोकसभा भी विधानसभा भी, हमारी तैयारी पूर्ण रूप से होगी वहाँ पर और हम मैक्सिमम सीटों पर कोशिश करें कि ईमानदार लोगों को हम वहाँ पर जगह दें और जीतने का काम करें। किसी पार्टी साथ हर बात की बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व रहेगा हमारे साथ में, वो डिसीजन उनका होगा। फिलहाल तो हम लोग अभी संगठन को मजबूत करेंगे और राजनीतिक पहल हम करने जा रहे हैं। पीटी वन सीटों पर देंगे हम लोग, ईमानदार लोगों को देंगे, लोकसभा भी लड़ेंगे, हमें विधानसभा भी लड़ेंगे। चुनाव को देखते हुए पार्टी तो ऑलरेडी यहाँ पर भीवा में काम कर रही थी, पार्टी हमारी कुछ दिन पहले लॉन्च हुई नेशनल लेवल पे, तो हमने यहाँ पर फ्लोट किया है पार्टी को। इंडिया एक नया, हमारा ये मानना है कि एनडीए और यूपीए दोनों एक ही तरह के काम करती है। इस देश ने पहले एनडीए को भी यूपीए को भी देखा था सालों में, फिर वो एनडीए आ गई है, तो काम तो करने का तरीका सबको एक ही तरह से है, तो हम उनसे सेटिस्फाई नहीं है, तभी हमने पार्टी फ्लोट किया है यहाँ पर। काफ़ी हम लोग बहुत मेहनत करके, क्योंकि संगठन हमारे पास मौजूद है, हमारे मुद्दे लोगों तक पहुँच चुके हैं और उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे हम और सोशल मंत्री समाज की लड़ाई लड़ेंगे, तो हम इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है और हम जिस तरह से मेहनत करेंगे वो हम लोग इस पर कामयाब होंगे जरूर।